हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल ईएमएफ। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सिर्फ नर्नस इक्वेशन बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। कहता है व्हेन ए सेल रिएक्शन टेक प्लेस, जब भी कोई सेल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। दस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क। जितनी जो एनर्जी, देखो किसी भी सिस्टम में अगर कितनी सी भी एनर्जी, फ्री एनर्जी अवेलेबल है जिसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें, तो जैसे ही हम उस एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी ना, सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। डेट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो उसमें जो डेल्टा जी है, जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी को गिब्स एनर्जी भी बोला जाता है, तो वो नेगेटिव होगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जो माइनस डेल्टा जी है वो किसके बराबर हो गया, एन एफ ई सेल, इक्वेशन नंबर वन हो गई। यहाँ पर जो डेल्टा जी है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में डिक्रीज हो रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए लॉस हुए, तो वो। एफ क्या है, फेरेडेज कांस्टेंट है, और ई सेल क्या है, ई एम एफ आफा सेल। अब स्टैंडर्ड स्टेट के लिए जब टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक, और जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा 1 मोलर होगा। तो उस कंडीशन पर जो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए एक जो नोटेशन है नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे डेल्टा जी था, तो डेल्टा जी क्या था, फ्री एनर्जी चेंज। अब डेल्टा जी क्या हो गया, फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड स्टेट, ये नॉट जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो माइनस डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो रिलेशन है बिटवीन फ्री एनर्जी सेल चेंज एंड सेल पोटेंशियल ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बीच, यही रिलेशन आपको मगअप करना है, यही आपको रट के रखना है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट। ठीक है, ये कहीं कहीं ऐसे दिया होगा एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।